हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। भाई मेरा नाम है यादविंदर चौहान और आपका नई वीडियो में स्वागत है। मैंने एक सीरीज निकाली थी, आपने अगर फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको पता होगा हाउ टू ड्राइव ए कार की। भाई नहीं कर रखा तो कर लो सब्सक्राइब और वो सीरीज देखो। अगर आपको कार नहीं आती और चलाना सीखना चाहते हो तो भाई मैंने प्रैक्टिकली हर एक सिचुएशन टिप्स एंड ट्रिक्स सब बताई है। और भाई सब्सक्राइब जरूर करें, वो वीडियोस देखें और उसके बाद ही इस वीडियो देखें, क्योंकि भाई ये प्रो ड्राइवर की है। भाई मैं प्रो ड्राइवर टाइप कुछ टिप्स बताऊंगा, मैं गांव की पतली पतली गलियों में चलाऊंगा इस गाड़ी को। मेरे पता होगा, आपने फॉलो कर रखा होगा तो भाई वैगनार है मेरे पास। अब इससे ही भाई अपन को चैनल उठाएंगे इसी गाड़ी से और फिर आपको पता भी होगा कि कैसे कैसे भाई स्ट्रगल भी देख लो आप मेरा। तो भाई सेटअप करके पूरा रेडी हो, आपको आई होप व्यू पूरा आ रहा होगा दोनों साइड से, इधर से भी और सामने तो आपको दिख ही रहा है। भाई थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है बारिश। सबसे पहले लगाओगे भाई बेल्ट, एक अच्छे ड्राइवर की पहचान होती है बिना सीट बेल्ट के वो 100 मीटर भी नहीं चले। तुरंत आपकी हैबिट होनी चाहिए सीट बेल्ट की। फर्स्ट गियर डाला, हम चल दिए गाँव की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। अब भाई ये मेरा गाँव नहीं है तो भाई मैं सबसे पहले इसी गली में घुसा देता हूँ। राइट लिया, इंडिकेटर दिया शीशे में, देखा आपको, अब ये लो अंदर। सबसे पहले पीछे देखना खड्डा था इसलिए मैंने थोड़ा लंबा काट के लिया था, ठीक है भाई। अब मेरा गांव नहीं, मैं तो ऐसे ही घुसाऊंगा भाई, ठीक है। लेफ्ट लेग के अब अपन को ले लेना है इधर, स्पीड में रखूंगा पूरा, देखेंगे कि हाँ रिएक्शन भी देखते चलना आप, क्या क्या कुछ रिएक्शन आते हैं। लेफ्ट राइट राइट, चलो तो भाई राइट ले लिया। गली है नहीं भाई, बंद है। चलो एक बार ये और देख लेता हूँ कि आगे जा भी रही है। बंद ही है भाई, ये तो बंद ही है, बंद ही है। मुड़ेगी भाई मुड़ेगी, आपको थोड़ा बैक हमें, चलो आपको एक बैक करना और सिखा देता हूँ तभी। आपने सेंसर और कैमरा की हेल्प लेनी है तो अच्छी बात है भाई। मैंने वीडियो में बताया था कैमरा और सेंसर की आदत मत डालो कभी, आपको भाई वैसी गाड़ी पकड़ा दी जाए बिना सेंसर और उसकी तो क्या करोगे। तो भाई आपको कर लेना है बैक, अगर मैं बैक कर लेता हूँ अब मैंने बैक कर लिया भाई, देखो मोड़ लिया पीछे। तुरंत आपको देखना है, वो आदमी खड़े थे इसलिए मैंने थोड़ा सा रोक के देखा भाई। चलो तो अब मैंने कर लिया बैक, अब गाड़ी निकाल लेंगे यहाँ से मिरर में देख के, बैक लेके। अब यहाँ से तो अपन आए ही थे तो आपको मैं राइट लेके चलता हूँ, मैं देख लेता हूँ गाड़ी निकल जाएगी या नहीं, निकल जानी चाहिए। अब पीछे रखी भाई, पीछे हमेशा ध्यान होना चाहिए, या सेंसर्स है तो अपनी गाड़ी में तो सेंसर्स का। अब पीछे बारिश आ गई है तेज, अब ये गाड़ी निकल जाएगी या नहीं निकलेगी भाई यहाँ से देखें। भाई पहले तो निकल जाएगी थोड़ा, देखो निकल गई ना, तो ये आपको अंदाजा होना चाहिए ग्राउंड क्लीयरेंस का और कि आपकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी या नहीं। यहाँ से तो आए थे अपन तो ले लेते हैं राइट, ऊपर चढ़ाई जा रहा हूँ भाई मैं तो, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक लेके जाएंगे। अब मैंने कर लिया है लेफ्ट, लेफ्ट, बारिश भी आ रही है भाई, अब क्या करें किधर ले। चलो तो राइट ही लेते हैं, फर्स्ट गियर राइट, ऐसे ही घुसा रहा हूँ जहां भी मन में आ रहा है। चलो सीधा चलते हैं, अभी तो ये खुला दिख गया मेरे को रास्ता, उधर खुला था तो अपन को तो ज्यादा भेड़ी गली में ही लेना है, मतलब जो सक्रिय हो। अब तो यार ये तो फिर भी और खुला आ गया, मैंने तो घुसाई तो वहां थी कि यहाँ पतला है। अब इसमें लेके देखें, चलो ले ही लेते हैं इसमें, मेरे को जाती तो नहीं लग रही कोई गाड़ी जाए, पर फिर मैंने घुसा ही दी बस इसमें ऐसे। अब इधर नहीं, इधर ही ले लेते हैं, हाँ इधर ही ले लेता हूँ,
राइट ले लिए गाड़ी अपन ने। भाई ये तो नहीं निकलेगी यहाँ से। भाई इसमें से नहीं जाएगी आगे काफी, मतलब गाड़ी से भी छोटा स्पेस है आगे, तो भाई अपन को पीछे ही लेनी पड़ेगी, नहीं जाएगी। मैंने वो पीछे इसलिए करके देखा कि हाँ शायद चली जाए। भाई इसमें है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बारिश में, जो ये होते हैं ना विजिबिलिटी कम हो जाती है इससे। ORVM के बिना भाई गाड़ी मेरे से तो चलती नहीं है। देखो सबसे ज्यादा जरूरी रहते हैं आपके ORVM ही, क्योंकि भाई बैक करोगे बॉडी आपकी कैसे बच रही है वो आप सब देखोगे ना, उससे ही पता चलेगा। भाई देखो वो वहां पे वो था, अब ये मैं तभी तो बोल रहा हूँ बिना ORVM के नहीं पता चलता भाई गाड़ी कहाँ अब मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही, बॉडी टच है या बच रही है आपकी। तो अब मैंने तो बैक कर ली है भाई, अब देखो यहाँ थी वो टायर आपको पता हो तो ये बाहर निकल रहा था, तो इससे बचने के लिए भाई सेंसर्स आपकी दे जाते हैं हेल्प मेरे को पता है, पर इनके बिना हैबिट डालो भाई आप सेंसर वाले को, तो फिर आप फटाक से कह दोगे वो ट्रेंड चल रहा है ना गाड़ी ऐसी मॉडिफाई करो कि कोई देखे दूर से ही फोटो खींचे, तो गाड़ी ऐसी चलाना सीखो आप कि हाँ भाई प्रो ड्राइवर हो आप तो बिना। तो भाई अपन को अब ले लेते लेफ्ट, चलो तुरंत ही भाई कहाँ होगा ये तो बहुत बार होता है, आप कभी किसी और गांव में जाओगे तो भाई ऐसी सिचुएशंस होंगी, क्योंकि पता तो रहता नहीं है आपको कि गली आगे निकल भी रही है या नहीं निकल रही। आई होप व्यू सही आ रहा हो बस आपको। फिर से राइट लेता हूँ भाई मैं, ये खड्डा है तो इसको बीच में लेके लंबा काटोगे, क्योंकि नहीं तो पिछला टायर फिर से आपको वहां जाएगा ऊपर खड्डे के, बड़ा होगा तो फंस जाने का डर। ठीक है भाई तो कच्चा रोड आ गया भाई, नहीं स्लश में फंस जाएगी गाड़ी, नहीं निकालना। और काफी दिन से बारिश हो रही है भाई, यानी काफी दिन से। मैं एक बार ये देख लेता हूँ, हाँ यहाँ बैक हो जाएगी, अच्छा है ठीक है। ठीक है भाई चलो, सेंसर ने बोला भाई तो तुरंत आपके हैबिट होनी चाहिए कि हाँ भाई सेंसर बोल रहा है तो ये बोल रहा होगा, सॉरी ये दरवाजे में टिक गया मतलब डोर में। चलो भाई हो गई टर्न, हो गई एक तो कम से कम जगह में आपको टर्न करनी आनी चाहिए भाई आपको। ठीक है कि हाँ बड़ी गई गाड़ी, अब वहीं से ले लेते हैं भाई आपकी साइड, अपनी साइड ऊपर। अब गड्ढा छोटा था तो अपना टायर उस पे से ही ले लिया मैंने भाई। ठीक है में, हमेशा धीरे। कितना बड़ा खड्डा हो सकता है वो आपको नहीं पता,
भाई ये मेन रोड आ गया, बाहर निकल गया। ये मेरे पड़ोसी गांव है भाई, मैं मतलब यानी पास में जो गांव होता है वो गांव है। एक बार इसमें और घुसा के देख लेता हूँ आपको, दूसरा इधर ले लेते हैं। मतलब हल्का सा पता है कि हाँ भाई ये गली निकल रही है, ये नहीं पता प्रॉपर आउटर, जैसे कि बाईपास सबको पता होता है कि हाँ भाई ये बाईपास जा रहा है, तो बाईपास होता है, अब ये सीधा बाईपास चल जाएगा। अब मैं अंदर लूंगा ये नहीं पता कि मेरे को कितनी पतली गली मिल जाएगी, जैसे कि बाहर बाहर निकल जाएगा वो गया हूँ, अभी अंदर तो मैं अभी ये ले ही रहा हूँ, गली जा रही इसलिए ले ली मैंने। देखो ये ग्राउंड क्लीयरेंस भी आपकी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, देखो मैं बचा के आराम से टेडी को दाओ ताकि आपकी गाड़ी बचे। बारिश गई तो वाइपर बिना यूज, जैसे बारिश नहीं आ रही तो भाई आप यूज मत करो, नहीं तो आपके जो ब्लेड्स है ना वो निशान गिर देगी आपकी विंडशील्ड पे। अब वापिस गांव के अंदर लेता हूँ मैं, निकल गया है एक बार देख भी लूंगा, चाहे ये ट्रैक्टर भी आया है यहीं से निकल के, तो भाई देख लेते हैं अगर जा रही है तो अंदर से गलियां। ये भाई नाट 11 खड़ा दिख रहा है आपको, नाट 11 सिद्धू मूसे वाले का नाट 11 भाई, काफी खुली जगह है वैसे तो। मैं अब शायद इससे आगे तो नहीं जा रही भाई, क्या जा रही है, जा तो रही है गली, ठीक है भाई इससे आगे चलो चल रहे हैं अभी तो। निकल गई भाई, निकल गई, निकल गई, निकल गई भाई, रोड पे आ गए, शायद वही रोड आ गए जहां से गए थे अपन। हाँ जहां से गए थे वहीं से आ गए भाई। सीएनजी में तो आपको एक मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं इसकी, आप इसका व्हील स्पिन सुनना, फर्स्ट गियर में पिक करूंगा, देखो व्हील स्पिन आया ना, अब सेकंड गियर में भी व्हील स्पिन करा दूंगा मैं इसका, आप सेकंड गियर का व्हील स्पिन सुनना। अभी तो इतना आया ना हल्का सा सेकंड गियर का व्हील स्पिन ही था भाई। तो भाई अब तो मैं मेन रोड पे आ गया, फिर मैं गांव ही निकल जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना भाई, सब्सक्राइब कर लो। अब आपके सामने ही है, मैंने स्टार्ट किया है भाई वैगनार से, तो अब मैंने 1.5 महीना हो गया, 500 के करीब तो मेरे सब्सक्राइबर हो गए, और आप हेल्प करोगे ना तो भाई कर दो थोड़ी सी हेल्प कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मेरे को थोड़ी नॉलेज है ठीक ठाक सी, तो मैं बना लेता हूँ वीडियो भाई, सेटअप भी ऐसे जुगाड़ करके कर रखा है मैंने। तो भाई आप है ना सब्सक्राइब जरूर करो, और धीरे धीरे आप ये भी देखो कि हाँ नॉर्मल बंदा चैनल चला के कहाँ तक पहुँच जाता है वो भी स्ट्रगल देखोगे, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करो भाई, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, हेल्प रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।